नमस्कार दोस्तों, मेरे टेरिस गार्डन में आपका स्वागत है। वीडियो की शुरुआत करते हैं ये रजनीगंधा फ्लावर से। देखिए इसकी एक एक पट जो है खुलने की तैयारी में है, और इसके ऊपर अभी भी रात को हमारे यहाँ बहुत बारिश हुई, तो अभी भी इसकी बड्स के ऊपर बारिश की बूंदें हैं। ये दो रजनीगंधा फ्लावर हैं। आज हम बात करने वाले हैं इंडोर प्लांट के बारे में कि बारिश का मौसम जो है पौधों को मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे अच्छा मौसम होता है। तो आज हम मॉन्स्टर लीफ के बारे में बात करेंगे। ये मॉन्स्टर लीफ का प्लांट है। ये मनी प्लांट के जैसा बढ़ता है, इंडोर प्लांट है। इसको ज़्यादा तेज़ धूप की आवश्यकता नहीं होती, इंडोर काफ़ी अच्छे से चलता है। और ये मेरा जो एक ही प्लांट में लेके आई थी, मेरे एक ही प्लांट से कई सारे प्लांट बना लिए हैं मैंने। ये देखो, ये मनी प्लांट के जैसा बढ़ता है। इसकी जो पत्तियां हैं, ये इसकी पत्तियों के पीछे से इस तरह की जड़ निकलने लगती है। आप इसको यहाँ से कट करके इसको मिट्टी में दबा देंगे तो इसका एक नया प्लांट बन जाएगा। तो ये मेरे पास अभी एक काफ़ी अच्छा बारिश में बढ़ गया है, तो मैं इससे दो प्लांट बनाने वाली हूँ। ये देखिए, अब हम इसको कट कर लेते हैं। मैंने इसकी ये कटिंग कर ली है। ये इसमें एक ही पत्ता है, और ये पीछे इसमें से ये हल्की सी ये छोटी सी जड़ इसमें निकली है। आप इसको ऐसे ही मिट्टी में दबा देंगे तो ये एक और पौधा बन जाएगा। ये ऐसे ही मैंने ये दूसरा वाला निकाला है। ये देखिए, ये इसमें अच्छी खासी जड़ें हैं, और ये मतलब इसका ऊपर वाला पार्ट है जो ये ग्रो कर रहा है। मैंने इसमें से दो कटिंग ली है। इन दोनों कटिंग को अब हम मिट्टी में लगाते हैं। मिट्टी में लगाने से पहले हमारा हमने जो इसको कट किया हुआ पार्ट है, हम इसको अच्छे से हल्दी में डिप कर लेंगे। ये मैंने हल्दी ली हुई है। ये देखो, ये इसमें ऐसे अच्छे से हल्दी लग गई है। ये इसमें भी लगा लेते हैं। मैंने गमला पहले से भर के रखा हुआ है। मैं एक ही गमले में दोनों कटिंग लगाने वाली हूँ। ये देखिए, ये इसको हल्दी लगाने से क्या इसमें फंगस नहीं लगेगी। फिर अब हम इसको इसको ऐसे अच्छे से मिट्टी में दबा देते हैं। ये दबा दिया, और एक और ये मैं एक ही गमले में दोनों कटिंग लगाने वाली हूँ। ऐसे इसको मिट्टी में दबाने के बाद हम इसको छायादार जगह में रख देंगे पानी डाल के। पानी इतना डालना है कि गमले में से नीचे से पानी निकलने लगे, और इसको छायादार जगह में लगा देंगे, रख देंगे, तो थोड़े दिन में से इसमें पत्तियां निकलने लगेंगी और आपके दो नए पौधे तैयार हो जाएंगे, इंडोर प्लांट। ये देखो, ये इसकी ये इस तरह की पत्तियाँ हैं। देखिए, यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।